हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री राम। तो गाइस, ये जो साड़ी यहाँ पे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कलश यात्रा के लिए, क्योंकि हमारे मंदिर में यहाँ पे राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है, और उसके लिए सबसे पहले हमें कलश उठाना है। कलश उठाने के बाद हम 11 दिन तक पूजा रहेगी यहाँ पे। 11 दिन के बाद, जो 11 दिन के अंदर अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं राम जी का, वो करेंगे, और लास्ट में जाके हम राम जी को स्थापना करेंगे, और ये कलश वापस हमें लास्ट में ही मिलेगा। तो जितना भी हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। शायद ये पार्ट 1 पार्ट 2 भी बन सकता है, क्योंकि 11 दिन की पूजा है, तो उसको मैं एडिट करके, जैसे तैसे करके, थोड़ा बहुत करके मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आधे आधे करके डालूंगी इसमें, और 1 पार्ट या 2 पार्ट भी बन सकता है। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि राम प्रतिष्ठा हम लोगों ने कैसे करी, और कितने दिन के लिए करी, और कितना अच्छा करा, आप सब देखना। और राम जी का मंदिर बनके बिल्कुल तैयार, इतना अच्छा लगेगा, आप सभी को मैं दिखाऊंगी, आप सब मिलके देखना। और हमारे यहाँ पे सबको बड़ी खुशी हुई थी राम जी की मंदिर बनाता यहाँ पे, और आप देखना। ये वीडियो उसी दिन की है जब हम कलश यात्रा करके आ गए थे मंदिर में, और उसके बाद पहले दिन में राम, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी के आंखों में पट्टी लगाई थी। तो ये पहला दिन है।
माँ राम जी को फूलों में छुपा रखा है। अब कल छुपाएंगे फलों में। हम तो लेके चले फल। हाँ लो 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 लो, पांच फल है ना? हाँ मेरे पांच फल है। अंशिका पहले स्नान करवा दीजिए भगवान को। हरि ओम महापवित्रो पवित्रो महाप्रभास्थान समृद पुंडी का रोली चंदन आज है लगा देना, कोई बात नहीं। सुबह भगवान का तिलक किए है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहाँ तिलक किए? अब होगा तिलक, हमने कुछ नहीं किया हुआ अब। नहीं वो ठाकुर जी को मैंने बात किया है। हाँ वहाँ तो किए। श्रीखंड चंदन भोग नाले तुम चंदन प्रति ग्रह मैं तो श्री रे सुचि गोदावरी सुस्ति हर प्रदेश सुचि गोदावरी का स्नान हमको सुख ना सुस्ति ना इंद्र हृदय श्रवाव रुचि ना पुखा भी सुवेगा सुचि सारो हर स्नेह में सुस्ति हो गए तो धात सो गाइस ये है पार्ट वन। पार्ट टू में मैं आपको और भी दिखाऊंगी कि आगे हम लोगों ने क्या करा। और इसमें तो हमने पांच दिन तक तो हमने गंगा जल में गेहूं में फल में फूलों में रखा है राम जी को। आगे आप सबको दिखाऊंगी कि छोटी सी राम जी की झांकी भी निकाली थी।